कि कोरोना काल में आपको ये ज्ञात होगा कि कोरोना काल में बाबा महाकाल की सवारी अस्थायी मार्ग से प्रारंभ हुई थी और जहाँ हमारा निवास है महाकाल सवारी मार्ग है। जब बाबा के दर्शन से मन किसी भक्त का विचलित होता है तो निराकार को साकार करने का भाव मन में जागृत जरूर है। उसी भाव से बाबा के आशीर्वाद से यह स्वरूप बाबा महाकाल की मुझे बनाने की प्रेरणा मिली। और रही बात यात्रा की, हर व्यक्ति का एक मन होता है कि मैं जहाँ जाऊँ कुछ अच्छा प्रगति की गोद में कुछ दृश्य को कैद करके लाऊँ। तो मेरे भी ऐसे भाव हैं, जहाँ मैं जाऊँ तो मेरे बाबा को भी मैं क्यों नहीं लिख लूँ, भले वो तीर्थ नगरी हो, वृंदावन हो या अयोध्या हो या केदारनाथ हो, जहाँ जहाँ मैं जाऊँ बाबा को वहाँ मैं अपने साथ लेके यात्रा करूँ। आज ही जा चुका हूँ मैं और अभी बुढ़ेश्वर महादेव की सेवा में, मक्केश्वर महादेव की सेवा में धमतरी, पिंगेश्वर महादेव और राजिम, प्रयागराज की भूमि राजिम गया हूँ बाबा को। जहाँ मैं बाबा की कृपा से जा सकूँ यात्रा पर, धार्मिक तीर्थ नगरी में, बाबा को वहाँ जरूर ले जाऊँगा। और जहाँ जाएंगे बाबा महाकाल के भक्त तो दीवाने मिलेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर भी लगा है बाकायदा, आर्मी वालों ने सलामी भी दी है, पुलिस वालों ने प्रोटोकॉल से बाबा को बाकायदा बिठाया भी है, फ्लाइट में लेके गए हैं। और कई भक्त बाबा से बिल्कुल भाव से आते हैं क्योंकि सबके जीवन में एक अपनी तकलीफ भी है और कुछ खुशियां भी, तो सब बाबा से शेयर करते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। बाबा स्वयं हैं, स्वयंभू हैं, अपने आप में बाबा महाकाल, कालों के काल बाबा महाकाल, समय के देवता हैं, विग्रह कह सकते हैं हम। किसी भी देवता के प्रति जब आस्था जुड़ती है तो वो साक्षात हो जाते हैं। और रही बात तीर्थ की, तो उज्जैन तीर्थ नगरी है, ऐसी तीर्थ नगरी पूरे भारत भर में है। तो जहाँ मैं तीर्थ करने जाऊँ वैसे मैं अपने बाबा को भी साथ में लेके जाऊँ, यही भाव मेरा रहता है।